वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, स्वागत है ताड़ा साडे यूट्यूब चैनल ते अते फेसबुक पेज ते। संगत जी, अज तुहानू जिस इतिहासिक स्थान दे दर्शन कराउण लैके आए हाँ, इस इतिहासिक स्थान नू पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी अते नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की चरण छो प्राप्त है। इस गुरुद्वारा साहब का नाम है गुरुद्वारा गुरु का बाग। यह गुरुद्वारा साहब श्री अमृतसर साहब तो अजनाला रोड से राजा सांसी के नेड़े पिंड कुकेवाली दे विच स्थित है। संगत जी, हुण तुहानू इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने हाँ अते नाल नाल इस गुरुद्वारा साहब के इतिहास तो जाणू करवाउंदे हाँ। एक राजा हरी सैन जो कि हिमाचल प्रदेश की संकेत मंडी का राजा सी, वो श्री अमृतसर साहब विखे पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के दे दर्शनों नू आया। जब राजा हरी सैन सचखंड श्री हरिमंदर साहब आया अते मत्था टेकन समय राजे ने यह शब्द सुनिया, लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। राजे दे मन विच उस वेले शंका आ गई, जे लेख नहीं मिट सकदे तां गुरु दी संगत करन दा की फायदा है। जद इस गल दा जिक्र श्री गुरु अर्जन देव जी दे कोल राजे ने कीता तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि तुसी एक दो दिन इत्थे ठहरो, तुहानू अपने आप ही इस दा जवाब मिल जाएगा। जद राजा रात नू सुता अते उस नू सुपना आया जिस विच उसने वेख्या कि उसकी मौत हो गई है अते उसका दूसरा जन्म चंडाला दे घर होया है अते उसके बच्चे हो गए हैं। एक दिन उस दरख्त उपरों लकड़ियां कट रहा सी कि अचानक दरख्त का टहन टुटन करके वह जमीन उपर डिग गया अते उसके सिर विच सट लगन ते उसकी मौत हो गई है। इस पिछों राजे की जाग खुल गई। सवेर हुई तो गुरु साहब जी ने राजे नूं सुनेहा भेजिया कि शिकार खेडन लई जाना है। गुरु जी राजे दे नाल शिकार खेडन लई अमृतसर तो गुमटाला, गुमटाला तो मीराकोट हुंदे होए लोहारका अते मल्लू नंगल दी धरती ते जा पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी ने इत्थे राजे नूं आख्या कि जिस दे अगों भी शिकार लंघेगा उसने शिकार दे पिछे अपना घोड़ा लाउणा है। राजे दे अगे एक हिरन दौड़िया अते ओ हिरन दौड़दा दौड़दा होया इस अस्थान ते आ गया जिथे अज गुरद्वारा गुरु का बाग सुशोभित है। इसे पिंड कुकेवाली दे हरिजन आदमी दे मरिया नू अजे थोड़े कि दिन होए सन, जिस दी शकल बिल्कुल राजे वर्गी सी। जदों राजा इस अस्थान ते पुजा तां ओ दरख्त भी उस नू दिस गया जिस उपरों डिग के राजे की मौत हुई सी। राजा बड़ा हैरान सी अते उसनू समझ नहीं सी आ रही कि सच की है। राजा परेशानी की हालत विच खड़ा सोच रहा सी। इन्ने चिर नू उसनू बच्चियां अते उन्हां दी मां ने घेर लिया जो उसने सुपने विच वेखे सन। बच्चियां ने कहा, बापू तू तां दरख्त तो डिग के मर गया सी, हुण तू जिउंदा किवें हो गया? राजे ने दस्या कि मैं संकेत मंडी का राजा हाँ, श्री गुरु अर्जन देव जी के दर्शनों नू आया हाँ अते गुरु जी के नाल शिकार खेड़दा खेड़दा इस स्थान ते आ गया हाँ। राजे दे कहण ते उन्हां नू यकीन नहीं सी आ रहा। तद गुरु अर्जन देव जी भी इत्थे आ पुजे। गुरु अर्जन देव जी ने इस स्थान ते 1585 ईस्वी नू चरण पाए से। गुरु जी ने बच्चियां नू समझाया, तुसी राजे दी शकल अपने पिता वर्गी देख के भुलेखा खा गए हो, यह संकेत मंडी का राजा हरी सैन है। इस तरह गुरु अर्जन देव जी के दसन नाल बच्चियां अते उन्हां दी मां नूं यकीन हो गया। राजे नूं भी यकीन हो गया। गुरु अर्जन देव जी ने राजे की शंका दूर की अते कहा कि लेख मिटदे नहीं पर कीते हुए कर्मां दा फल जिहड़ा जन्म लैके भुगतना होवे ओह साध संगत करन दे नाल एक सुपने दे विच ही पूरा हो जाता है। संगत जी, जिस गुरद्वारा साहब दे तुसी पहला दर्शन कीते सी ओह गुरद्वारा गुरु का बाग
पातशाही पंजवीं है। अते हुण तुहानू दर्शन कराउने हां गुरद्वारा गुरु का बाग पातशाही नौवीं दे। श्री गुरु अर्जन देव जी तो बाद 1664 ईस्वी नूं इसे अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब जी आए अते उन्होंने आके इस धरती नूं भाग लाए। इसे ही पिंड कुके वाली दे दो सिख सन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे, जिन्हां दा नाम भाई मस्तू अते भाई लाल चंद सी। गुरु जी इन्हां दे घर ठहरे सन। हुण उस जगह ते गुरद्वारा बौली साहब स्थित है संगत जी, जिस दे दर्शन तुहानूं अगली वीडियो दे विच करवाए जाणगे। संगत जी, जिस स्थान दे तुसी दर्शन कर रहे हो, इस स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां इस स्थान ते तप कीता है। इस स्थान नूं पहलां गुरु की रौड़ कहिंदे सन। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस स्थान ते भगती दा बाग लाया। उदों गुरु जी ने वर दिता कि जेड़ा अख गुरु का बाग उसनू लगणगे दूणे भाग। गुरु जी ने इस स्थान नूं अनेकां ही वर दिते हन। अज भी संगतां इस स्थान ते औलाद दी दात लैण लई श्रद्धा नाल आ के फलदार बूटे लगाउंदियां हन अते उन्हां दीआं आसां मुरादां पूरियां हुंदियां हन। संगत जी, हुण तुहानूं दर्शन कराउंदे हां उस शहीदी यादगार दे, जिन्हां शहीदां ने इस अस्थान दी मर्यादा नूं कायम रखण लई महंत सुंदर दास तों इस गुरद्वारा साहिब नूं आजाद कराउण लई अपनियां कुरबानियां दित्तियां अते शहादत दा जाम हस हस के पीता। संगत जी, इह सी इतिहास गुरद्वारा गुरु का बाग पातशाही पंजवीं अते पातशाही नौवीं दा, जो असी आप संगत दे नाल सांझा कीता है। इतिहास बोलदिआं जेकर किसी भी प्रकार की भुल चुक हो गई होवे अते असी आप संगत तो माफ़ी मांगदे हाँ। इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर जरूर करियो तां कि होर भी सिख संगतां इस अस्थान दे दर्शन कर सकन अते इस पवित्र अस्थान दे इतिहास तो जाणू हो सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन आखी सोई करे जिन कीती तीने थर्टी है, कौन हारे केन वो वर्टी है, कौन हारे केन वो